हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फन टाइम फैम कैप्सूल के बारे में। क्या होता है ये कैप्सूल, किस लिए इसको दिया जाता है, कितने रुपए का मिलता है, कैसे के बेनिफिट होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, कैसे इसको लेना होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट आते हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताएंगे, बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। बात करेंगे वीडियो में कि ये महिलाओं में कितनी इच्छा को बढ़ाता है, कैसे काम करता है, क्या बाकी में महिलाओं के अंदर की इच्छा को बढ़ाता है, बाकी में इसका रिजल्ट है या नहीं, तो आपके सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फन टाइम फैम कैप्सूल होता क्या है दोस्तों। तो ये जो है एक आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक कैप्सूल होता है, इसके अंदर कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं होती, सारे के सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और ये जो दवा है दोस्तों, ये लीफोर्ड कंपनी द्वारा बनाई गई है, लीफोर्ड कंपनी द्वारा इसको तैयार किया गया है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है, तो इसके अंदर होता है दोस्तों शतावरी होता है, गोखरू होता है इसके अंदर, अश्वगंधा होता है और शंठी इसके अंदर होता है दोस्तों। प्राइस की बात करें तो 100 रुपए में ये कैप्सूल आपको मिल जाते हैं। 10 कैप्सूलों का एक इसका स्ट्रिप आता है, तो वो 10 कैप्सूलों का जो पत्ता होता है 100 रुपए में मिल जाता है, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं इसकी पैकिंग। अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण पार्ट के ऊपर, के बेनिफिट्स क्या होता है इसका, इसको लेने का फायदा क्या होता है। तो दोस्तों, जिन महिलाओं के अंदर इच्छा नहीं होती यौन संबंध बनाने की, तो उनको ये देने की सलाह दी जाती है। जो महिलाएं अपने पार्टनर के साथ बेड पर जाने की इच्छा नहीं रखती, उनका बिल्कुल मन नहीं करता, तो उसके लिए इस कैप्सूल को दिया जाता है दोस्तों। ये जो है महिलाओं के अंदर यौन इच्छा बढ़ाता है, उस कंडीशन में इसको लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो इसका इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ये हार्मोनल इम्बेलेंस को भी ठीक करता है। तो जिन महिलाओं के अंदर हार्मोन्स इम्बेलेंस रहते हैं, बैलेंस नहीं हो पाते हैं, तो हार्मोन्स को बैलेंस का भी काम करता है। इसके अलावा स्ट्रेस, अगर किसी महिला को स्ट्रेस में रहती है, चिंता में रहती है, तो उन लोगों को भी ये दिया जाता है। वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है, उनको भी ये दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये क्या करता है कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिससे कि महिलाओं को मन करने लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। जैसे कि आपने सुना होगा मेनफोर्स वायग्रा जो क्या करती हैं, वो भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती हैं प्राइवेट पार्ट के अंदर, उसी तरीके से ये महिलाओं के अंदर प्राइवेट पार्ट के ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देती है, जिससे कि मन करने लगता है। इसके अलावा महिलाओं का प्राइवेट पार्ट ड्राइनेस रहता है, सूखापन रहता है वहां पर, तो उनको भी दिया जा सकता है। ये जो प्राइवेट पार्ट को सूखापन दूर करने में इस्तेमाल में लाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज की, इसको लेना कैसे होता है, इसको लेने का सही तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, एक कैप्सूल सुबह शाम आप ले सकते हैं, मतलब एक कैप्सूल सुबह में, एक कैप्सूल शाम में ले सकते हैं, और डेली इसको लेना होता है, 2 से लगातार 3 महीने तक इसको लिया जाता है। ये होता है इसका इस्तेमाल। बात करते हैं साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट कोई आते नहीं है, क्योंकि एक आयुर्वेदिक दवा है। अगर आप इसके प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर डोज में लेते हैं, तो कोई साइड इफेक्ट इसके आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे इंग्रीडियंट्स इसके अंदर आयुर्वेदिक होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारी मेहनत को देखते हुए तो प्लीज चैनल को सपोर्ट भी करें। दोस्तों, आप में से काफी लोग चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज सब लोग सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।